हाँ जी, वी विल स्टार्ट विद द रोल ऑफ लीडर एंड फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस प्लानिंग फॉर द ग्रुप्स। अगर आपका कोई भी लीडर है तो उसका उसका भी एक रोल क्या है, मीन टुवर्ड्स देयर ग्रुप, टुवर्ड्स देयर सोसाइटीज, ठीक है, जिसके आप लीडर हो तो आपने क्या करना है, जो सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट होती है दैट इज द प्लानिंग फॉर ग्रुप्स। आपने अपने ग्रुप की बेटरमेंट के लिए, ठीक है, उसको हर चीज में, हर उसको अपलिफ्ट करने में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपके आपने कोई काम करना है उसके रिलेटेड जो लीडर है उसको अपनी प्लानिंग करनी होती है। और बेटा आपने कोई भी अगर काम करना है, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होती है देन देयर इज 100% एक्यूरेसी एंड गुड रिजल्ट आर देयर। अगर आपकी लाइफ में आपने कोई अपनी प्लानिंग की है, किसी काम को, किसी चीज को, एम को अपने को अचीव करना है, तो उसके लिए आपका प्लानिंग पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम स्पोर्ट्स करते हैं बेटा, अगर हमने स्पोर्ट्स करना है तो हमको पता होना चाहिए कि हमारा, आपको सिंपल मैं बता देता हूँ, इफ यू वांट टू बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉम्पिटिशन है किस मंथ में आना है, ठीक है, रिगार्डिंग हमने किस एनवायरनमेंट में अपनी प्लानिंग करनी है खेलने की। आपको वो सारी चीजें अगर आपके माइंड में होगी तभी आप अच्छा प्लान, अपना जो एक जिसको हम बोलते हैं लेसन प्लान टुवार्ड्स योर कमिंग एक्टिविटीज, आप तभी वो अचीव कर सकते हो अगर आपकी प्लानिंग अच्छी होगी। कोई भी अगर आपने काम करना है, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं है, प्रॉपर नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, यू कांट डू एनी एक्टिविटीज, ठीक है, किसके माइंड में क्या चल रहा है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, दैट इज ऑल रिगार्डिंग इन योर प्लानिंग। प्लानिंग अगर आपकी अच्छी है तो तभी आप अपना वर्कआउट कर सकते हो। विदाउट प्लानिंग किसी ने भी कोई भी लाइफ में अपना टारगेट अचीव नहीं किया है। देन प्रोवाइड ए विजन, अभी आप लोग डेली सुनते होंगे रिगार्डिंग दिस इलेक्शन, ठीक है, जितने भी आपके लीडर्स हैं पंजाब में वो सारे एक ही बात कर रहे हैं कि आपका पंजाब के लिए क्या विजन है, क्या प्लानिंग है टू अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्टेट। यू हैव सीन सो मेनी डिबेट नाउडेज, इफ यू स्विच ऑन योर टीवी आपको हर टीवी पे वहां पे लीडर्स बैठे मिलेंगे, पॉलिटिशियंस, एंड दे आर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द डिफरेंट इश्यूज, डिफरेंट प्लानिंग, डिफरेंट विजन। ठीक है, वो मेन रोल है बेटा, जो आपका जो गुड लीडर होगा वो ऑलवेज दे आर प्लानिंग फॉर द देयर कम्युनिटीज, देयर ग्रुप्स, एंड उसके लिए वो फिर अपना विजन बताएगा। अब आपने गेम खेलनी है, स्पोर्ट्स करना है, ठीक है, आपका आप बोल रहे हैं जी मैंने गोल्ड मेडल ले लेना है, मैंने पंजाब डिस्ट्रिक्ट का चैंपियन बनना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट विद द योर जलंधर, आप जलंधर डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, यू वांट टू बिकम अ चैंपियन ऑफ जलंधर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो उसके लिए आपकी प्लानिंग क्या है। बोल के तो आप चैंपियन नहीं बनोगे ना, अगर आप घर में सोए हो, बैठे हो, यू आर नॉट डूइंग एनी एक्टिविटीज, एनी ट्रेनिंग प्लान, ठीक है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, आपका लाइफ स्टाइल ही नहीं है उसको अचीव करने का, तो देन देर इज ए नो रोल, दैट इज ऑन जस्ट ऑन पेपर। इंडिया में बहुत से काम ऐसे होते हैं जो लीडर्स के ऑन पेपर ही रह जाते हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने आपके पॉलिटिशियन हैं, एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन दे ऑल आर कम आउट विद देयर प्लानिंग, देयर विजन्स, बट वेन इट गोज एज ए प्रैक्टिकल देन इट इज ए जीरो। सेम इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है, वो आपको ऑन पेपर्स बोल देंगे कि आप अगर मेडल लेके आते हो आपको हम जॉब देंगे, ठीक है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको इक्विपमेंट्स मिलेंगे, आपको डाइट अच्छी मिलेगी, बट व्हाट हैपेंड अगर आपको कहीं कोई आपके खेलता हो, कोई जाता हो, कभी आप पूछिए कि दोज हु आर अपॉइंटेड एज ए कोचिज, ठीक है, जो एज ए प्लेयर्स हैं, दोज हु हैव अ वेरी वेरी बिग नंबर ऑफ सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, दे आर गोइंग फॉर
क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, हमको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये विजन नहीं होना चाहिए आपका। अगर आपको पता है कि कोई बच्चा है, अगर आप उसको जॉब नहीं दे सकते हो, एंड दिस इज द मेन रीजन इन पंजाब, मैक्सिमम स्टूडेंट दे आर गोइंग अब्रॉड। कभी आपने इसके बारे में जो डिफरेंट लोगों ने लिखा है, ठीक है, वो कभी आपने पढ़ना है कि व्हाट हैपन, आपका जो मैक्सिमम बच्चा है वो सारा अब्रॉड जा रहा है, एंड आफ्टर फ्यू इयर्स, 10 years, 15 years, व्हाट हैपन, यहाँ पे आपको कौन मिलेगा, कोई भी नहीं मिलेगा। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। सारी चीजें जो आपका आज की डेट में स्टेट में ये एक एनवायरनमेंट बन गया है कि हर पेरेंट्स कहता है नहीं जी हमने बच्चे को बाहर भेज देना है, ठीक है, वहाँ काम है, सिटीजन मिल जाएगा, सेफ है, लाइफ की वैल्यू है, यहाँ पे आपके बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, व्हाट हैपन, ठीक है। आपको ये पता है कॉलेजेस में पिछले 10-15 साल से कोई रेगुलर जॉब नहीं निकली है। ये अभी जो इलेक्शन में आपके लीडर्स जा रहे हैं, पीपल दे आर अप्रोचिंग देम कि व्हाट यू आर डूइंग फॉर अ बेटरमेंट, व्हाट इज अबाउट द हेल्थ एंड एजुकेशन। कॉलेजेस में कोई रेगुलर आपकी पोस्टें नहीं निकल रही है, पिछले कितने साल हो गए हैं। देयर इज अ नो रेगुलर पोस्ट इन स्पोर्ट्स एज ए कोचिज, व्हाट हैपन, बी टेक, एम टेक, इवन अभी आपके जो डॉक्टर्स हैं MBBS करके उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख रहे थे। तो दिस इज द मेन सिचुएशन, ये जो सर्कमस्टांसिस है दैट लीड्स टू स्टूडेंट्स टू गो अब्रॉड। तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए टुवार्ड्स योर सोसाइटी, ठीक है। अगर आपका लीडर का ऑन पेपर ही काम रहता है या गवर्नमेंट्स का रहता है तो देन देर इज नो यूज। आप स्पोर्ट्स भी करते हो, अगर आपकी प्लानिंग विजन अच्छी नहीं है देन इट इज डिफिकल्ट टू गेट टू अचीव योर टारगेट। देन जो आपका लीडर है वो रोल मॉडल होना चाहिए, ठीक है। उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो सबसे पहले अपने आप को एक रोल मॉडल अपने ग्रुप में, अपने सोसाइटीज में रखें कि मैंने ये काम किया है। अगर कहीं आपने देखा होगा सम ऑफ द लीडर्स दे रिटेन देयर सीट्स फॉर ट्वाइस, थ्राइस, फोर टाइम, सिक्स टाइम, और सम ऑफ द लीडर्स दे आर लीडिंग विद अ वेरी वेरी गुड हैवी मार्जिन। बहुत से ऐसे इंडिया में लोग हैं जो अपने ग्रुप में, अपने इलाके में, अपनी सोसाइटीज में, नॉट ऑन द टाइम ऑफ द इलेक्शन, थ्रू आउट द 5 years दे स्पेंडिंग मोर टाइम्स। तो वो लोग फिर क्या होते हैं, उन लोगों के लिए वो आदमी एक रोल मॉडल हो जाता है। अगर आपने स्पोर्ट्स से इसको रिलेटेड लेते हैं, अगर हम जो भी आपके जो कोचिज हैं, जो हायर लेवल के लोग हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आप उनको सारा टाइम ट्रैक सूट में ही देखोगे, दे आर फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, ठीक है। उनका मॉर्निंग सेशन, इवनिंग सेशन और आफ्टरनून सेशन वो उनके ऑफिस में निकल जाते हैं, तो ऑल द टाइम दे आर इन ट्रैक सूट्स। वो क्यों होते हैं, उनका वर्कआउट, उनका काम ये होता है कि हमेशा दे आर अवेलेबल, ये नहीं कि आप जाओ तो आपको कोई मिल नहीं रहा है वहाँ पे। तो वो रोल मॉडल तभी होगा अगर आप में ये सारी क्वालिटीज होगी, यू आर ईजली अवेलेबल फॉर योर ग्रुप्स। अगर आपसे कोई काम किसी ने करवाना है, अगर आप वहाँ पे आप अवेलेबल हो गए, आप कभी भी उनके साथ जाने को तैयार हैं, तो इससे एक इफेक्ट सोसाइटीज में, आपके ग्रुप में ये पड़ता है कि ये आदमी अच्छा है। देन कंट्रोल ग्रुप बिहेवियर, आप में जो ग्रुप है उसको कंट्रोल, उनका बिहेवियर को कंट्रोल करना भी आपको आना चाहिए, अदरवाइज व्हाट हैपन, क्या होता है, इसके नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप लीडर है तो यू हैव द क्वालिटीज टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ योर ग्रुप्स, योर मेंबर्स, ठीक है। बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं बिहेवियर, बिहेवियर कंट्रोल, देन नेक्स्ट इसमें आपका आ जाता है प्लानिंग आपने कर ली है पर उसकी एग्जीक्यूशन नहीं, जैसे मैंने आपको अभी कहा है एग्जीक्यूट करना उसको बहुत जरूरी है।
आपने प्लानिंग अच्छी कर ली है, आपने विजन बड़ा अच्छा दे दिया है, ठीक है, बट उसका एग्जीक्यूट करना उसको, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग, ये दिस इज द मेन, ठीक है। अगर हमने सारी अपनी प्लानिंग अच्छी कर ली है, विजन आपको बता दिया है, ठीक है, बट उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया अगर हमने उसको, देन देर इज ए नो यूज। एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्लानिंग शुड बी देयर, दिस इज द मेन मेन पार्ट ऑफ योर लीडरशिप, जो रोल हमारा है। आपने कोई भी प्लानिंग कर ली, और मोस्टली हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या होता है, प्लानिंग आर ओनली ऑन पेपर्स, ये पेपर्स में रह जाती है सारी, ठीक है, ओनली इन पेपर्स, प्रैक्टिकली काम बहुत कम होता है। तो उससे क्या होगा, उससे आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अगर बच्चों को आपको फैसिलिटीज ग्राउंड की चाहिए, ठीक है, इक्विपमेंट्स की चाहिए, हमने लिख के दे दिया ये फैसिलिटीज हमको चाहिए, बट व्हाट हैपेंड व्हेन देयर इज अ नो ग्राउंड, नो इक्विपमेंट, नो क्वालिफाइड कोचिज, नॉट अ टाइम फॉर योर स्पोर्ट्स एंड गेम्स, देन दैट प्लानिंग पार्ट इज ओनली ऑन पेपर, ये पेपर पे आपके रह जाएगा बस। और स्पोर्ट्स में हमारे ऐसा ही होता है, बच्चों को टाइम से आपको अगर आप कैंप नहीं लगाओगे, प्लानिंग में क्या होता है आपका, प्लानिंग में अगर आपने बच्चों को प्रॉपर कोचिज, कैंप, ठीक है, इक्विपमेंट्स जो वर्ल्ड क्लास के होते हैं, जैसे सपोज आप ओलंपिक में खेलने गए हो, देयर इज सो मेनी टाइम व्हाट हैपन, जो हमारे शूटर्स हैं, आर्चरी वाले हैं, उनका जो इक्विपमेंट होते हैं, उनकी जो गन्स हैं, जो राइफल्स होती हैं, पिस्टल्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी कॉस्टली, ठीक है, उसको एक नॉर्मल आदमी को परचेज करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो अगर वो इक्विपमेंट हमारे, अगर कोई मैटिंग है आपका, कोई भी इक्विपमेंट है, सिंपल आपको एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जो नीरज चोपड़ा है आपने भी पढ़ा होगा, आप सोच सकते हो कि जो जेवलिन थ्रो होता है उसकी क्या कॉस्ट होती है इन लैक्स, लाखों रुपए का वो एक एक है, जो उन्होंने अभी फॉरेन कंट्री से उसको हायर किया है। कैन यू इमेजिन कि आपका जो इक्विपमेंट इतना महंगा, अगर वो इतने महंगा बना है किया है, तो उसमें कुछ एक उसमें क्या होगा, कुछ क्वालिटीज होगी, उसका कोई एज भी होगा व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इन इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। अगर आप डोमेस्टिक खेल रहे हो देन देयर इज नो यूज। फर्क कहाँ पड़ता है, जब आप ओलंपिक में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम में, दोज हु आर अ बिग इवेंट्स, जो इंटरनेशनल लेवल के बिग इवेंट्स होते हैं, वहां पे जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, तो वहां पे वो इक्विपमेंट का बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है। उसका एक हल्का सा भी एज अगर ओपोनेंट पे आ जाए, तो उसका आपकी परफॉर्मेंस में बहुत फर्क पड़ता है। तो दैट इज द मेन, कि एग्जीक्यूशन शुड बी देयर, देन एज ए रिप्रेजेंटेटिव, लीडर जो आपका होता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो आपको रिप्रेजेंट करता है अपने ग्रुप को। अगर आप व्हेन यू नेक्स्ट गो टू योर कॉलेजेस, ठीक है, आप प्लस टू के बाद अपने कॉलेज में, कहीं प्रोफेशनल किसी भी कॉलेज में अगर जाओगे, तो वहां पे डिफरेंट क्या होता है, क्लास वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, वहां पे इलेक्शन होते हैं, वहां का आपके क्लास का लीडर बनता है, ठीक है, डिपार्टमेंट के लीडर्स बनते हैं। तो वो लीडर इसलिए बनाते हैं सो दैट दे कैन रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स, कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स हो आपकी, वो आगे रिप्रेजेंट करते हैं अपनी हायर अथॉरिटी के लिए। तो उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, आप एज ए रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, आपने एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ग्रुप्स, ठीक है, और योर सोसाइटीज, आपको हर काम आगे करना होता है। जब व्हेन यू बिकम अ लीडर ऑफ एनी ग्रुप, देन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू रिप्रेजेंट योर ग्रुप रिगार्डिंग एनी कॉज, वो कोई भी कॉज हो सकता है, कोई भी आपके ग्रुप की अगर कोई प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, तो ऑलवेज यू हैव टू बी देयर एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्रुप, क्योंकि ग्रुप ने तो आपको लीडर बना दिया है। अब आपका काम है कि नेक्स्ट आपने हायर अथॉरिटी को कैसे अप्रोच करना,
ठीक है, उसको कैसे कन्विंस करना है, अपनी चीज को उनको कैसे सामने रख के उनको उसके बारे में बता के आपने अपने काम को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम है। तो ये मेन एज ए रिप्रेजेंटेटिव रोल होता है आपका लीडर का। देन इसमें आपका नेक्स्ट आ गया इंप्रूव कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ठीक है, आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा आपका होना चाहिए, होना चाहिए। अगर आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा, एक कुछ बोल रहा है, दूसरा कुछ बोल रहा है, तीसरा कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे आपका बिहेवियर कंट्रोल हो गया है, एज ए जब आप रिप्रेजेंटेटिव हो गए हो किसी ग्रुप के, देन देयर इज ए वेरी गुड कोऑर्डिनेशन। उससे क्या होगा, आपका इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। जितना आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा उतना आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपने देखा होगा हम जब कोई गेम या स्पोर्ट्स भी करते हैं, ठीक है, लीडर एक होता है ना गेम में, कैप्टन एक होगा आपका टीम का, वो आपको गाइड कर देगा। अगर आपने रिसेंटली अभी मैच देखा होगा इंडिया न्यूजीलैंड लास्ट वनडे, ठीक है, इंडिया ने एक रिदम बना लिया था, अच्छा खेल रहे थे, बट ऋषभ पंत फर्स्ट बॉल पे स्टेप आउट किया, कैच हो गया एंड इंडिया का सारा जो आपका एक स्टैंड अप हो रहा था, बिल्ट पार्टनरशिप पूरी थी, उसके एक शॉट से वो मैच ही इंडिया हार गया। दैट इज अ कोऑर्डिनेशन। अगर आपको लीडर ने कोई चीज बता दी है, और लीडर का भी रोल होता है कि आपने अपने ग्रुप में कोऑर्डिनेशन रखना है। अगर हम टीम में खेल रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो वी हैव टू कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर्स। ठीक है, अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं, और हम सोचें कि हमने अकेले ही बॉल को लेके जाके गोल कर देना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। या आप फुटबॉल खेल रहे हो, बास्केटबॉल खेल रहे हो, और आप विदाउट द हेल्प ऑफ विदाउट द टीम जो इवेंट होती हैं उसमें कोऑर्डिनेशन का बहुत काम होता है। ठीक है, अकेला कोई बड़े बड़े जो प्लेयर्स भी हुए हैं वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जो कोऑर्डिनेशन आपका होगा एक दूसरे के साथ, जो तालमेल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, दैट विल पे यू, दैट विल क्रिएट ए मोर इफेक्टिव रिजल्ट्स। तो कोऑर्डिनेशन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन आपको अपने ग्रुप में करना होगा। बीइंग ए हम जैसे स्पोर्ट्स का कैप्टन बना देते हैं, तो कैप्टन का क्या काम होता है, यू हैव सीन द सिचुएशन इन क्रिकेट टीम ऑफ इंडिया, व्हाट हैपेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल कोहली रिजाइन फ्रॉम द 2020 10 वन डे टेस्ट मैच इन ईच एंड एवरी फॉर्मेट। वहां पे जब ग्रुप सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा आपकी टीम में, आधे लोग कहीं, आधे लोग किसके साथ है, तो आपका रिजल्ट आना 100% है, वो जीरो हो जाएगा। आपकी टीम का कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा व्हेन देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अमंग द टीममेट्स। कभी भी आप किसी भी रिजल्ट पर नहीं जा सकते हो। क्यों, एट द टाइम ऑफ द रिजल्ट एक अपनी तरफ जा रहा है, दूसरा अपने ग्रुप की तरफ जा रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं है ग्रुप में तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। तो दैट इज द मेन, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। देन रोल एज ए मोटिवेटर। ये आपका मेन है बेटा मोटिवेटर। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी किसी भी रिजल्ट पे निकाल सकती है, मोटिवेशन। और दैट इज ए क्वालिटी ऑफ ए लीडर। आपने देखा होगा चाहे राइट हो चाहे रॉन्ग हो, समटाइम्स क्या होता है, पीपल्स दोज हु आर डायरेक्टेड गाइडेड एंड लीड बाय अ लीडर। आपने देखा होगा कहीं कितने कई जगह दंगे फसाद हो जाते हैं, ठीक है, वो मोटिवेट कर देते हैं लोगों को टुवार्ड्स दैट एक्टिविटीज। अगर आप लीडर हो, आपके पीछे इतनी जनता लगी है, ठीक है, जो आपको पे ब्लाइंडली फेथ कर रही है, तो वो आपका एक इशारा एक सिग्नल उनको किसी भी काम के लिए मोटिवेट कर देता है, वो फिर कुछ सोचते नहीं है। और मोटिवेशन का बहुत ज्यादा रोल है। अगर कोई भी आदमी किसी काम को करने के लिए, जिसको बोलते हैं ना मन से मोटिवेट
जो आपका ये दिस इज इंटरनल और इसको एक्सटर्नल भी हम बोलते हैं। मोटिवेशन अगर आपका जो लीडर है उसमें आपको मोटिवेट करने की क्वालिटीज है तो नेचुरली आप वो ग्रुप किसी भी काम को करने में ज्यादा सक्षम होगा। हमने स्पोर्ट्स में देखा होगा जो आपके कैप्टन रहे हैं बहुत साल से कैप्टन टीम में लीड कर रहे होते हैं जो स्पोर्ट्स को अपनी टीम को दे आर अ वेरी गुड मोटिवेटर। ठीक है वो आपको हर टाइम वेदर यू आर राइट और रॉन्ग वेदर यू स्कोर और नॉट स्कोर आपकी समटाइम स्पोर्ट्स में ऐसा है कि ऑल द टाइम यू आर नॉट गिविंग योर 100% आपको आप हमेशा ही हर मैच में टॉप परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हो। ठीक है जितने भी आपके छोटे यंगस्टर आते हैं आपने देखा होगा धोनी को इज द वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेटर जो इंडिया टीम को उसने खड़ा किया था एट दैट स्टेज और जितने भी यंगस्टर बच्चे आए हैं वो सिर्फ उसकी कैप्टनशिप में आए हैं एंड दे प्रूव देयर परफॉर्मेंस दे के उन्होंने प्रूव किया है कि उनको अगर टीम में उन्होंने रखा है तो सही डिसीजन लिया है। तो ये एक मोटिवेटर का रोल होता है जो लीडर होता है उसमें ये क्वालिटीज होती हैं। मोटिवेशन आपको इतना मोटिवेट करेंगे कि अगर आपका खराब परफॉर्मेंस भी आ रहा है इफ सपोज वी नो दैट यू हैव अ टैलेंट। ठीक है आप में टैलेंट है आप कर सकते हो आप बहुत हाईली स्किल्ड है आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है वो सब पता होता है कोचिज को भी और जो कैप्टन को भी जो दोस्त द्वारा सीनियर प्लेयर्स तो वो क्या करेंगे आपकी एक दो परफॉर्मेंस को अगर आपकी अच्छी नहीं आती है दे इग्नोर वो आपको नेगेटिव नहीं बोलेंगे ऑलवेज दे गिव यू पॉजिटिव थिंकिंग आपको हमेशा मोटिवेट करेंगे नहीं आप इससे बहुत अच्छा कर सकते हो यू हैव अ सच ए क्वालिटीज यू हैव अ सच ए टैलेंट यू कैन गिव अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। व्हाट हैपेंड एक मोटिवेशन लेवल एक ऐसा होता है वो किसी भी काम को करने में सक्षम हो जाता है आदमी वो बोलता है नहीं मेरे में क्वालिटीज है मेरे में टैलेंट है आई कैन डू इट। आपने बहुत से पैरालंपिक्स में देखा होगा दे आर ओनली पार्टिसिपेटेड इन पैरालंपिक गेम्स ड्यू टू देयर विल पावर एंड मोटिवेशन लेवल। कभी किसी को आपने देखो इनमें जो पैरालंपिक के एथलीट है अगर उनको आप देखो उनकी हिस्ट्री पढ़ो व्हाट हैपन किसी का कैसे एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है किसी को कोई प्रॉब्लम थी बट इवन दैट दे उनकी जो विल पावर है उसने उनको मोटिवेट किया नहीं मैंने इंडिया रिप्रेजेंट करना है मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाना है मैंने वर्ल्ड में मेडल लेके आना है। तो दैट मोटिवेशन लेवल आपका जो है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है किसी भी टारगेट को किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। मोटिवेशन के बगैर आप बोलते हैं ना मैंने ये काम करना है तो एक होता है इंटरनल मोटिवेशन ठीक है जिसमें हम एक एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया जिसमें हम रिवार्ड एंड पनिशमेंट में देते हैं। ठीक है अगर आपको इट इज अ इंटरनल फीलिंग ऑफ योर कि वी हैव टू डू दिस एंड दैट एक्टिविटीज दैट विल फील यू प्राउड। कुछ एक आपको होता है एक्सटर्नल हम करते हैं मोटिवेट की क्या करना है आपको रिवार्ड है पनिशमेंट है आपको डिफरेंट पोजीशंस पे हमने दे देना है आपको आपको कोई फाइनेंशियली अच्छा कुछ गवर्नमेंट फीडबैक दे देती है आपको अवार्ड्स मिलते हैं। ठीक है दैट इज डिपेंड अपॉन द पर्सनल किस अवार्ड के लिए वो एलिजिबल है। ये सारी चीजें लीडर्स की अगर ये वो क्वालिटीज हैं तो ये सारे उसके रोल है अगर आप इनको करते हो देन यू बिकम अ वेरी वेरी गुड लीडर। स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही है इफ यू आर डूइंग रेगुलर आप टीम के अपना विजन देख रहे हो प्लानिंग कर रहे हो मेरे मैचेस आ रहे हैं तो व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू प्ले विथ 4 बैट्समैन या 5 बैट्समैन। ठीक है हमने बॉलर 4 खिलाने हैं या 3 खिलाने या एक स्पिनर खिलाना है दैट इज योर प्लानिंग पार्ट वो आप दूसरी टीम को देख के करते हो ये नहीं कि आपने अपनी प्लानिंग कर ली अपने 4 खिलाने फास्ट बॉलर 1 स्पिनर खिलाना है आपने वहां पे पहले ये प्लानिंग करना है ये आपने देखना है कि जहां पे आपके मैचेस हो रहे हैं वो विकेट कैसी है फास्ट विकेट है टर्निंग ट्रैक है। ठीक है
उसके हिसाब से आपकी प्लानिंग आउट होती है। ओपोनेंट में बेटा बहुत माइन्यूटली हम देखते हैं ओपोनेंट की टीम के को भी। आपको मैं क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि क्रिकेट सारे लोग देखते हैं, ठीक है, तो उसकी थोड़ी बहुत ही आपको सबको नॉलेज होती है। फिर ये प्लानिंग पार्ट होती है कि ओपोनेंट की टीम में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन कितने हैं, राइट कितने हैं, हमने अल्टरनेटिवली कैसे उसको राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन लेना है। ये फिर आपका एक विजन होता है कि हमने अपनी टीम में कौन कौन से प्लेयर कैसे खिलाने हैं। वी नीड देयर फास्ट जेन्युइन बॉलर या स्विंग बॉलर आपको अच्छे चाहिए वहां पे बैटिंग करने जा रहा है, वनडे है, मैचेस हैं, तो मोर अटैकिंग प्लेयर आपको चाहिए, टेस्ट मैच खेल रहे हो तो आपको टेक्निकली वेरी वेरी साउंड पर्सन चाहिए। ऐसे फिर आप रोल मॉडल टीम में अगर आप अपने आप परफॉर्मेंस करोगे, ठीक है, इसको मैं आपको अब टीम वाइज लेके आ रहा हूँ सारा, अगर आप अपने आप परफॉर्मेंस अच्छी देते हो टीम में तो नेचुरली जो आपके जो जूनियर्स हैं, ठीक है, जो आपके टीम मेट्स हैं, दे आर मोटिवेटेड विद योर परफॉर्मेंस। तो आप रोल मॉडल अपने आप को बाय गिविंग द परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक रोल मॉडल आप अपने टीम में कर सकते हो। देन आपका बिहेवियर एंड कंट्रोल इन अ डिफरेंट सिचुएशन यू हैव टू कंट्रोल योर ग्रुप योर टीम, जो उनका बिहेवियर है आपस में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए। यू जस्ट फोकस ऑन योर मैच योर परफॉर्मेंस नथिंग एल्स। तो वो क्वालिटीज लीडर में होती है। देन एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग, आपने किसी को अगर बता दिया है आपको इसका, बेटा मैं एक सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है, नेशनल नॉर्थ जोन मैचेस चल रहे थे तो टेबल टेनिस के मैचेस में वन ऑफ द कोच फ्रॉम हॉलैंड, ठीक है, वहाँ पे इंडिया टीम में एक डिफरेंट अकेडमीज है, उसके जो बच्चे हैं वहाँ पे जो मैक्सिमम कोचेज हैं दे आर फॉरनर्स, बाहर के हैं। तो व्हेन देयर प्लेयर दे आर प्लेइंग, तो लास्ट में जो मैच का लास्ट पॉइंट था एट दैट टाइम, ठीक है, वो बच्चे को उसने इशारों से कहा कि आपने ये सर्विस करनी है, ठीक है, तो उस बच्चे ने कोच के कहने के बावजूद अपनी सर्विस करवा दी एंड ही लूज दैट पॉइंट। तो आके उसने जस्ट क्या बोला है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम दो तीन साल से ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चे को, उसको हमने कहा कि ये सर्विस करनी है एंड ही इज डूइंग देयर ऑन। तो इट मींस क्या है, उस बच्चे में कोई लर्निंग क्वालिटीज नहीं है, ठीक है। जब हमने एक प्लानिंग की है, जब कोच ने आपको बता दिया या लीडर ने बता दिया है कि आपने ये चीज करनी है, तो आपको वही चीज करनी होगी। अब इसमें आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूं, अगर हमने ऑफ साइड पे फील्डर रखे हैं बैट्समैन के लिए और आप लेग साइड पे उसको बॉल कर रहे हो, देन व्हाट इज द फन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेयर्स दोज हु आर स्टैंडिंग ऑन द ऑफ साइड, दैट इज द मेन। वहां पे जो लीडर होता है, जो कोच होता है, वो उसका मेन रोल होता है कि एग्जीक्यूशन प्लानिंग का। और जो प्लानिंग की एग्जीक्यूशन जब आप कर रहे हो और आपका जो ट्रेनीज हैं, जो आपके बच्चे हैं, अगर उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो व्हाट हैपन, ऑटोमेटिकली उनको नेक्स्ट चांस नहीं मिलेगा। फिर जिसको ये नहीं पता है कि आपको जो चीज़ समझाई जा रही है आप उसको नहीं कर रहे हो, इट मीन्स यू आर लैकिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्लानिंग। देन रिप्रेजेंटेटिव, आपने रिप्रेजेंट करना है अगर आपकी टीम को, ठीक है, कोई भी चीज चाहिए इक्विपमेंट से रिगार्डिंग, प्रैक्टिस से रिगार्डिंग, ठीक है, आप ग्राउंड की कंडीशन से रिगार्डिंग, तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप जैसे क्रिकेट वाले हैं, आप वी गो टू बीसीसीआई मेंबर्स की वी वांट सच सच थिंग फॉर प्रैक्टिस। देन कोऑर्डिनेशन, जब आपकी सारी कोऑर्डिनेशन टीम का बहुत अच्छा होगा तो नेचुरली आपकी टीम का मोरल बहुत हाई होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा और दैट विल पे इन योर फाइनल, जो आपका मेन कॉम्पिटिशन होता है वहां पे इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। देन ये आपका एज ए लास्ट मोटिवेशन, आप मोटिवेट करोगे एज ए कैप्टन, आप उसको क्या करते हो, अगर इफ यू आर डूइंग स्कोर ऑन 6 down यू प्रमोट देम एज ए 4 down, इफ यू आर कंसिस्टेंटली गिविंग वेरी गुड परफॉर्मेंस, तो आपको अगर आप बॉलिंग कर रहे हो बहुत अच्छी स्विंग कर रहे हो तो यू कैन गो फॉर ओपनिंग स्पेल। तो दीज आर द डिफरेंट मोटिवेशन लेवल, आप कैसे कैसे पर्टिकुलर सिंगल प्लेयर को आप मोटिवेट कर सकते हो बाय
गिविंग देयर देम एक्स्ट्रा चांसेस, ठीक है, उसको जिसको हम बोलते हैं अपनी टीम में अगर आपके कोई एक्स्ट्रा में प्लेयर खेल रहा है तो आप उसको टीम में खिलाओगे, उसको उससे मोटिवेशन मिलता है। दिस इज ऑल रिगार्डिंग द रोल ऑफ लीडर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।